हर कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है, लेकिन यह इस कहानी की शुरुआत नहीं है। हाँ, इस दिन की शुरुआत तो जरूर है। रोज की तरह डैड गुस्से में थे। आधे घंटे से तैयार होकर इंतजार कर रहा हूं। नमाज तैयार है ना बेटा? लो, तुम तो आ गई। और वो रेडी हुआ भी है या अभी तक अमेरिकी टाइम पे ही चल रहा है? ओफो, आप भी ना, महीने हो गए उसे लौटे। अब तो आप अमेरिका का ताना छोड़ दीजिए। अब आपकी बात रख के वो लौट आया है ना? अरे दीपक के लिए गिफ्ट रैप कर रहा है, आ रहा होगा। अभय, कभी कभी दो कहानियां जुड़ जाती हैं और एक नई कहानी बनती है, और कभी एक ही कहानी में कई छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं। लेकिन बड़ी हो या छोटी, हर कहानी में कई छोटे छोटे मोड़, पल और मायने होते हैं, और इन्हीं से हर कहानी जुड़ती है, मुड़ती है, बनती है और बढ़ती है। चलिए, ये क्या है? दीपक का प्रेजेंट डैड। डब्बे के अंदर डब्बा, के अंदर एक और डब्बा। इट्स अ जोक। शगुन का लिफाफा तो ले लिया है ना? अरे रीति रिवाज भी कुछ होते हैं, जब देखो मजाक। वो भी है डैड, थोड़ा रिवाज थोड़ा मजाक, इट्स मोर इंटरेस्टिंग, डोंट यू थिंक मॉम? बिल्कुल, देखा। अच्छा अच्छा, चलो अब देर हो रही है, कम ऑन लेट्स गो। चलिए कम ऑन। रितिका, हो किसने ये बांधी डोरी? You know how late you are? I'm sorry I'm late, you know how it is. It's okay. देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन चढ़ी। न तो ढूंढा है न तो पाया है, न तो खोया था न बुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी? हाय कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हो कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। खाना सोचा ना मांगा, झोली में आन पड़ी। अरे दिखा ना सोचा ना मांगा, झोली में आन चढ़ी। जैसी होगी कोई लाली, या गेहूं जैसी गोरी, और कागज जैसी गोरी दिलाना। बात करे तो फूल झड़ेंगे लाला, के फूल नहीं तो मोती, और मोती एक कटोरी रोजाना। घोड़ी पे चाहे नहाए, कांपों का रेशम उड़ाए, ऐसा कहीं से बुलाए मुझे तो मैं आंखों में रखूं उसे। हाय किसने ये निंदिया तोड़ी, किसने ये बांधी डोरी, हो कैसे कैसे राम, हो कैसे कैसे राम मिलाए जोड़ी। अरे देखा ना सोचा ना मांगा, झोली में आ।
कैसी राम मिलाए जोड़ी, ओ कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी, ओ कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी, ओ कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी। गॉड मैं तो थक गई शादी करके, ये जरी ये सोना 5 घंटे से, और ऊपर से ये घूंघट। घूंघट तो एक झमेला है यार, ना शक्लें देख सकते हैं ना दिखा सकते हैं। जिसे शक्ल दिखानी थी वो तो तुझसे भी ज्यादा शर्मीला निकला, आंख ही नहीं उठाई। पर तूने देखा उसे? थोड़ा सा, थैंक गॉड उसकी मुछे नहीं है, अभी तक तो इतनी ही इन्फो बहुत है। अनबिलीवेबल, 20वीं सदी में, सॉरी 21वीं सदी में भी बिना देखे जाने शादियां हो रही है। खाने पीने को कुछ भेजो अमृता, बहुत थक गई होगी ना बच्चा। मामा बहुत थक गई हूँ, बस आराम करना चाहती हूँ। कुछ तो पी ले बेटा, चाय कॉफी। कुछ ठंडा भिजवा दीजिए आंटी। क्या भिजवाऊं बेटा, पेप्सी कोक या शरबत भिजवा दूं? आंटी एक बात बताइए, जरा सी प्यास के लिए तो सब पूछ लिया आपने, चाय कॉफी पेप्सी कोक पूरी चॉइस है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर के लिए कोई चॉइस नहीं दी, वो बिना पूछे ही डिसाइड कर दिया और शादी भी हो गई। क्या करते बेटा, कुंडलियां मिल गई ना, ये तो सब संजोग की बात है। और बीच में दिन ही कितने बचे थे, 1 हफ्ते में हमने इसका पासपोर्ट रेडी करवाया है। हाँ तो फिर आपने लड़की में देखा क्या, सिर्फ ग्रीन कार्ड? इस तरह शादी करने कोई आता है? तू तो बस ऑपरेशन मैरिज पर आया है अमेरिका से, मुझे एक इंडियन लड़की चाहिए बस। अबे गधे, लड़की है, फास्ट फूड नहीं जो कोई भी। Cheers, cheers. Yes. अब शादी हो गई ना, आगे भगवान देखेगा। वो क्या देखेगा, बेवकूफी तेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। Thanks. Correct, यार। मैं ऊपर दीपक को लेक्चर दे रहा था विथ नो क्लू, ये नीचे बैठे मेरे माँ और डैड मेरी कुंडली का हिसाब देख रहे थे। बन के गया था बाराती, खुद की शहनाई बच गई। रितिका खन्ना, सोशियोलॉजी में उसने एमए किया था और कस्टमर सर्विसेज की नौकरी में अभी 6 महीने ही हुए थे कि। पर मैंने देखा भी नहीं, मिली भी नहीं उसे, ऐसे कैसे शादी कर लूं मैं एक अजनबी से। तो क्या मैंने देखा था तेरे पापा को? वो जमाने और थे माँ। तो अब कौन सी आग लग गई है जमाने को, हम क्या बेवकूफ थे या तेरे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है हमें? मैं ये नहीं कह रही हूँ माँ, लेकिन ऐसे कैसे उसे शादी कर लूं जिसे आप लोगों ने देखा है। और कहा तो था तुमने कि तुमने उसे देखा था, झट से ये भी याद किया था कि उसने सफेद दुपट्टा पहना था। हाँ माँ कहा था, लेकिन हर कोई जो नजर आता है उसे शादी तो नहीं कर लेते ना। फिर वही बात, क्या ये काफी नहीं कि तुम्हारे भाई ने वहाँ अमेरिका में उस गोरी से शादी कर लिया और हमें खबर तक नहीं की, बस 2-4 फोटो देकर हमें खबर कर दी और फिर उसी तरह चुपचाप उसे डाइवोर्स भी कर लिया। जी लेकिन। क्या लेकिन, अरे उस वक्त तो तुमने कहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हमारी पसंद से और हमारी इजाजत से ही शादी करोगे, कहा था ना, या सिर्फ फुसलाया था हमें? ओफो, आपने तो हमारे बेटे पर हमला ही बोल दिया। अरे पूछो उससे, उसी ने कहा था ना। ठीक है ना, उसी का फाइन देने तो वापस आया था। हाँ डैड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसे अचानक, जिन लोगों की शादी हो रही है उनके बीच जान पहचान जरूरी है या? कितनी बार मिलने से जान जाओगे उसे तुम, 2, 3, 4? साथ घूम फिरने से भी क्या जान पहचान होती है जी, आधे के तो तलाक हो जाते हैं। इसीलिए तो शादी के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एमए तक पढ़ाया, नौकरी भी लग गई, अब और किस बात की देर है। तो क्या पढ़ाई और नौकरी शादी की तैयारियों का हिस्सा है? बल्कि इन सबके बाद तो कैसे कोई किसी से बिना देखे शादी। तो जाओ मिल लो, देख लो, जाओ। आईटेक में मार्केटिंग हेड है अब ससदेवा, नंबर चाहिए तो मेरे कोट की जेब में उसका कार्ड पड़ा है, जाओ। और अकेली मत जाना, बुआ को लेके जाना साथ में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। ये सहरे और घूंघट के बीच में तो कुछ नजर आता ही नहीं, ऊपर से ये धुआं, तो सहरे के बजाय सनग्लासेस ही पहना देते। और ये पंडित तो इतना बोलता है कि जैसे इसकी बुआ। ओ गॉड, मैं तो जाऊंगी नहीं अंदर, बाहर ही बैठी रहूंगी टैक्सी में। मेरा कुर्ता ठीक है? ओमा, बाल भी नहीं बनाया मैंने। हेलो जी, मैं तो कब से सोच रही थी एक दूसरे से मिलना कैसे होगा।
चलो इस बहाने कम से कम आज मुलाकात का बहाना तो मिला। क्या है कि वो असल में एक दूसरे को थोड़ा सा जानना पहचानना सर ऐसी बातचीत वो बहुत जरूरी है ना जी। वो कॉलेज में एक महीने की छुट्टियां थी ना इसलिए मैं भाई साहब के यहाँ चली आई। वैसे मैं रहती इंदौर में हूँ। अब तीन कॉफी। ओके मैम। मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं। यही ना कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं, अक्सर लोग यही गलती किया करते हैं। वैसे मैं कॉलेज में साहित्य पढ़ाती हूँ। okay. प्रोफेसर हूँ मैं। वैसे आजकल के जमाने में जहाँ पे ये रीमिक्स वीमिक्स चल रहा है वहाँ पे साहित्य की क्या कदर लोगों को है ना। right. वैसे आपका क्या मेजर था। आई स्टडी मार्केटिंग। राइट राइट। अच्छा ही हुआ आपने मार्केटिंग कर ली। हम लोगों को देखिए क्या ये साहित्य वाहित्य में पड़ गए। Actually, मैं मिलने इनसे आया था। बुआ, not really my type. अब बिन बातचीत की मुलाकात को क्या कहेंगे? मुंह दिखाई। वैसे डैड को इतनी दाद तो देनी ही पड़ेगी। देखने में तो अच्छी है। पूर्ण श्लोको न राजाया, पूर्ण श्लोको युधिष्ठिरा, पूर्ण श्लोको च वैदेही, पूर्ण श्लोको जनार्दना। अब आप अपना दाया हाथ आगे कीजिए। अब कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। अब आप मेरे साथ बोलेंगे श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री माधवाय नमः। चलो कुछ तो बातचीत हुई। चलो जीज, आज आपकी गाड़ी का असली टेस्ट है। पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो करा दे। अभी तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन ही ठीक से नहीं हुआ, आपका कैसे कराऊं? ओके ओके ओके। भाभी ये भाई के जीज हैं और मेरे यू नो रोहित हैं। भाई और माँ को तो आप जानती हैं और ये हमारी कानपुर वाली मामी जी। ओके ये तुम हमेशा मुझे करुणा मामी की जगह कानपुर वाली मामी क्यों कहती हो? ये करुणा मामी जी हैं। और मैं नंदनी। और कोई रहता नहीं क्या? हाँ हाँ वो सामने वाला मेमोरियल चौक रह गया है। क्या भी जीते रहो। अच्छा पापा खुश रहो। अरे इतनी जल्दी क्या साले, गले भी नहीं मिलोगे क्या? देख भाई रात भर तुम्हें मेरी कंपनी मिली है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये रीत तो मुझे भी झेलनी पड़ी थी। Come on, जी। अच्छा देख अब तू इतनी दूर जा रहा है हनीमून पर ऊटी में, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ भाभी की कंपनी मिलेगी। हे भाभी। अच्छा सुनो भाई से कोई भी शिकायत हो ना तो फौरन मुझे फोन करना। ओके बाय बाय। कम क्यों साले, बस पे जस्ट मैरिड का बोर्ड लगवा दूं क्या? बाय बाय बाय। टेक केयर। बाय बाय। सी यू। बाय। अरे अबे बेटा। ओ पापा। हेलो नीतू। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। ये हॉट केस है, रास्ते में भूख लगेगी। अरे आपने इसकी तकलीफ क्यों की है? बेटा इसकी माँ ने भेजा है, लो ले लीजिए पापा खा लेंगे। बस टाइम पे? जी अब 10-15 मिनट में निकलनी चाहिए। अच्छा जी जी हम चलते हैं। okay. बस सी ऑफ करने आए थे। ओके और आप रितु की फिक्र मत कीजिए, ऊटी पहुँचती आपको फोन करेंगे। बाय बाय। गो एयर की मैंगलोर रूटी बस सेवा में आपका स्वागत है। आपकी बुआ नहीं आई? ये पहली सुबह है जब डैड गुस्से में नहीं है, सभी घर वाले खुश हैं। हर कहानी की शुरुआत में अक्सर ऐसा ही होता है। पढ़ोगे पेपर? तुम्हें क्या तकलीफ होती है अगर मैं न्यूज़ पढ़ूं तो? अरे 40 साल से देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हो, पढ़कर क्या कर लिया तुमने? अरे अजीब सवाल करती हो तुम, अखबार पढ़ के क्या करता है आदमी? रद्दी में डाल देता है। और क्या करता है? 1.5 रुपया रोज का, 40 साल हो गए जमा करते, तो सोचो कितने लाख होते अब तक। तो मैंने कमाए थे ना, तुमसे तो नहीं मांगे थे। बच्चों की शादियां रद्दी बेच के की है मैंने। बात करती है
ये लो अपने चश्मे, 2 मिनट चश्मा क्या दे दिया, जान खा गई मेरी। तो अपना क्यों तोड़ा था फिर? तोड़े नहीं थे मैंने, शीशा निकल गया था, पुटी जाके लगवा लूंगा मैं। फोटो देख देख तंग आ गए हम इतनी देर से। तुम आराम से हो ना? नींद नहीं आई तुम्हें? नहीं तो मुझे बात नींद आ रही है, रात भर टेंशन में था। टेंशन किस बात का? हनीमून का, और क्या। ऐसी वैसी कोई हॉलिडे थोड़ी है, हनीमून है हमारा पहला। सब कॉफी? नहीं भाई नहीं। ओ वहाँ है आंटी जी। टॉयलेट कैसी है? क्या मतलब? मतलब टॉयलेट कैसा है, साफ है या नहीं, मतलब। तुम वहाँ नहीं जा सकते, लेडीज के लिए। जी मैम, उन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ। अब जैसा भी है, जाना तो वहीं पड़ेगा। हाँ। भूख नहीं लगी, कुछ खाएंगे आप? क्या है? पराठे है ना, माँ ने भेजे हैं। ओह, उसमें खट्टा होगा या? आमचूर पड़ता है। ओके दे दो। हम कह रहे हैं चले जाओ बाथरूम हो आओ, ऊपर से 2-2 गिलास रस के पी रहे, फिर रास्ते में बस रुकवाओगे? तो ब्रेक तुम लगाओगी क्या? मैं पीछे पड़ी हुई है। क्या आप ठीक हैं? तीखा है क्या? खट्टा, खट्टा से मुझे हिचकी आती है। आमचूर, मैंने कहा था ना ऊंचे हील वाली सैंडल मत पहनो, पहाड़ी इलाका है, कितना चलना फिरना होगा, और चलने वाली छड़ी तो तुम साथ लाई नहीं। छड़ी की नौबत नहीं आई भी हमारी, बहू ने इतने शौक से सैंडल लाकर दी, पहनते कैसे नहीं। अरे रहने दो रहने दो, शौक खुद का और नाम बहुओं का। चलो। ताजमहल लॉज में आपका स्वागत है। शोभा आंटी और चतुर्वेदी अंकल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अपने यूनिक स्टाइल में। थैंक यू, वेलकम सर। लो भाई। अरे अरे अरे, ये क्या बात है भाई, ऐसे कैसे बगैर पूछे एक ही ड्रिंक थमा दिया है? ऐसी ही रीत है, याद नहीं मंजू की शादी में दोनों दूल्हा दुल्हन एक ही प्लेट से। वाह वाह, यानी इस उम्र में भी हम दोनों इन्हें दूल्हा दुल्हन नजर आते हैं। सॉरी। थैंक यू सर। थैंक यू। आह
I help? नहीं। मैं कोशिश करता हूँ। I think I got it. There. Thanks. दरवाजे पे कोई है शायद? नहीं तो? You were right. जी वो हनीमून का डेकोरेशन करना है। ओके साहब, थैंक यू। May each night be as sweet as honey and as romantic as the full moon. इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। Calls reception. मैं एक फोन कराऊं? माँ से कहा था पहुंचते ही फोन करूंगी। यहीं से कर लो ना। यहाँ सेल फोन का नेटवर्क वीक है और वहाँ अंदर लिखा है कि ट्रंक कॉल्स रिसेप्शन से कीजिए, तो मैं करके आती हूँ। अरे जब इतनी देर हो गई मैं खुद ही ढूंढने चला आया। माँ से बात हुई? नहीं, लाइंस बिजी थे, लगा ही नहीं। बाद में ट्राई करते। साहब कुछ लेके आओ? नो थैंक्स। ओके साहब। तो अब क्या करना है आप बताइए। आई डोंट नो, मेरा पहला हनीमून है। हनीमून पे लोग क्या करते हैं? आई डोंट नो, घूमते फिरते हैं। थोड़ी बहुत साइट सीइंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं आई गेस। मैंने तो सुना था कि मोस्टली कमरे में ही रहते हैं, इसलिए ये स्पेशल हनीमून स्वीट्स होते हैं। आई एम जोकिंग। चलो बाहर एक चक्कर लगा कर आते हैं। आई हैवंट बीन हियर सिंस कॉलेज। अब तक तो काफी बदल गया होगा। तुम्हारा पैर का क्या साइज है? सैंडल्स का बैग मुझे दे दीजिए। और मेरे जूतों का बैग? वो भी दे दीजिए। इट्स ओके, मैं दोनों ही उठा लूंगा। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। प्लीज, आई एम कैरियर, मुझे दे दीजिए। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे आप तो वहाँ ताजमहल लॉज में ठहरे हुए ना, आज हमने को रिसेप्शन देखा था ना सुबह। हाँ। हम भी वहीं ठहरे हैं। जी हाँ, आज ही पहुंचे हैं। आई एम शोएब, शोएब मिर्जा। अभय सचदेवा, हाय। दैट इज माय बेटर हाफ, आई मीन बेटर हाफ, अनाया। हाय। हेलो, हाय। रितिका, इज दैट योर बेटर हाफ? बेटर हाफ।
एक्चुअली हम लोग वापस आ रहे थे, टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे, आपको लिफ्ट दे दें। अरे जनाब अभी तो उन जूतों का इनॉग्रेशन करना है। जमीन पे या किसी के सर पे? ये तो यही डिसाइड करेंगे। शोहेब और अनाया भी अपने हनीमून पे हैं। कम से कम अनाया तो हनीमून पर है, शोहेब अभी भी एडजस्ट कर रहा है। फनी चाय देखे, लुक एट दैट व्यू, ब्यूटीफुल हाँ। कम क्लोजर ना। आज इन्हें कुछ ज्यादा ही मजाक सोच रहा है। Obviously, look around. ऐसे माहौल में जायज भी तो है ना? God, कुछ भी बोलता है। ऋषभ और ये है अनु। And you guys are on your honeymoon, right? Yeah, I'm Abhay. This is my wife, Ritika. Hi. Hi. I love your mehndi. Oh, thanks. वैसे हम लोग भी अपने हनीमून पर हैं, तीसरे हैं, एक दूसरे के साथ ही। निशा, इनका मतलब ये है कि ये हमारा तीसरा हॉलिडे है एक साथ। ओके। Yeah. It's obnoxious. That's why you love me. क्या हुआ? माँ से बात नहीं हुई ना? या मैं अपना सेलफोन कमरे में छोड़ा है। सिर्फ तुम्हारे लिए। It's okay, we'll go now. Anyway, it was nice meeting you. Take care. Same here. Take care. Bye. Bye-bye. Have fun. अनु और ऋषभ को देख के सारी क्लासिक लव स्टोरीज याद आती है। रोमियो एंड जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, दे ट्रूली मेड फॉर ईच अदर। लगा लो कुर्ते पे गिराओ। अरे जैसा मत रखा है क्या? मम्मी का फोन आया था, तुम्हारी मम्मी का, जब हम बाहर गए थे। ये था मैसेज रिसेप्शन पर। हे हाय, थैंक्स। आई विल जस्ट गेट अ ड्रिंक, यू विल बी फाइन राइट? लगा लिया। या डोंट वरी। कह रही थी ऊपर। हाय, आपके हस्बैंड अपने लिए ड्रिंक लाने गए हैं। मैं भी जरा देखकर आता हूँ। आप पीते हैं? ज्यादा नहीं, अब रोज भी नहीं। अरेंज मैरिज? अरे जनाब अभे, बहुत अच्छा किया आप आगे रहने के लिए। एक मिनट इसको पकड़ना था। एक मैं सोचा था एक ड्रिंक ले लेता। खाने में मिर्च बहुत ज्यादा है, उस पुश्तैनी शेफ से कहना पड़ेगा कि थोड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए तो वो मिर्ची कम करने से रहे। नाक भी बह रही है, फिर भी चुन चुन कर सारे मसालेदार आइटम परोस कर लाए और खा भी रहे। लो पहुंच लो। लो तुम खाना खाओ ना। हमारा हो गया। अच्छा है ना? थैंक गॉड तुम वेजिटेरियन नहीं हो, वरना मेरा खाना तो फीका ही पड़ जाता। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन सिर्फ ट्यूसडेज और थर्सडेज को नहीं खाती। ओके। आज थर्सडे है। सॉरी। रिलैक्स, पानी पी लो। मैं क्या हुआ, खा लिया? वो 10 बजे ना मेरा सीरियल शुरू होने वाला है, देख लूं? प्लीज चाबी। मिस्टर, यस, ड्रिंक लेकर मेरे पास आने वाले थे, राइट? तुम आ गई ना? सेम थिंग, लाइक ऑलवेज। या चलो। अच्छा बाय।
एक और मंगाओ। चले दीदी ने तुम्हारे लिए प्रेजेंट भेजा है। आई एक्सक्यूज मी। हाय दी, स्पीक ऑफ द डेविल। अभी तुम्हारी बात कर रहा था। तुम्हारा गिफ्ट तब ही दिया रितिका को। हाय, इट्स सो लवली। नो ओपनिंग बैट्समैन ने रन्स बनाया कि नहीं? कम ऑन जीज, कम ऑन, टेल मी ना। अभी नहीं। ओए लल्लू, ये लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट है, याद रखियो। पीवी ने ओपनिंग रन्स बनाए। या चल हम दीदी। बाय बाय बाय, सी यू सून। हां, अच्छा रितिका को बहुत प्यार देना, मम्मी पापा की तरफ से भी। यप दी, रितिका के घर जरा फोन कर देना, कह देना कि हम ठीक ठाक पहुंच गए, उन्हें फिक्र होगी। हाय हाय, अपनी खैरियत तो कभी नहीं सुनाई तुमने। बाय जोरू का गुलाम। क्या दिया दी ने? क्या बताओ मुझे। ये उसके बोल्ड और ब्यूटीफुल का असर है। तुम्हारे पास अपना नाइट गाउन है? नहीं तो मेरा कोई टी शर्ट और पजामा पहन लो, फिर कल एक और शॉपिंग का चक्कर लगाएंगे। मेरे पास है। ओके। लेफ्ट या राइट? कोई भी, आप डिसाइड कीजिए। गुड लक। नाइस।
It's okay. Relax. जागते रहो हथेली खुलने लगी कि रात अब उड़ने लगी कहानियों की शाम तो चली सुलगने दो जरा शब को ये खुशबू आएगी सबको हरे ख्वाबों की पहला पहला ये कदम है चाहत है पर जोर कम है पहली पहली रात है ये आगे जो हो आखिर अगर ठीक है तो सभी ठीक है जागते रहो हनीमून पे लोग क्या करते हैं अरे वो तुम्हारा सीरियल अरे वो सास वाला तुम एक काम करो तुम देख लो खत्म हो जाए तो बता देना मैं मैच के हाईलाइट देख लूंगा जब रात की थैली खुले क्या जानिए क्या कुछ मिले हो जब रात की थैली खुले क्या जानिए क्या कुछ मिले शहनाई भी सन्नाटे भी सपने खर्राट भी छल के नैन भी है बेचैनी में चैन भी है पहली पहली रात है ये आगे जो हो आखिर अगर ठीक है तो सभी ठीक है हो जागते रहो हथेली खुलने लगी कि रात अब उड़ने लगी कहानियों की शाम तो चले सुलगने दो जरा शब को कि खुशबू आएगी सबको हरे ख्वाबों की पहला पहला ये कदम है चाहत है पर जोर कम है पहली पहली रात है ये आगे जो हो आखिर अगर ठीक है तो सभी ठीक है जागते रहो हथेली खुलने लगी कि रात अब उड़ने लगी कहानियों की जागते रहो चैन से सोते हुए बहुत खूबसूरत लगती है सोफे पर ही सही शुक्र है उसे नींद तो आई रितु गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जरा जरा टॉवल देना प्लीज थैंक यू हे हाय हाय हाउ आर यू डूइंग गुड हैव अ ग्रेट डे यू टू ऋषभ उठो अनु इधर आओ ना यार क्या सुबह सुबह तुम मेट्रन की तरह तैयार होने लगी हो मैं वहां पर नहीं आ रही हूँ और तुम भी और नहीं सोगे कम ऑन उठो और तैयार हो जाओ हमें घूमने जाना है स्टॉप ही कर लेजी बम जान इधर तो आओ मैं तुम्हें सैर कराता हूँ
आओ तो सही, कमॉन। नो थैंक यू, मिस्टर कृष्णा ने जो टूर ऑर्गेनाइज किया है ना, मुझे वो देखना है। कमॉन, गेट अप। कोई बोट क्लब है जहाँ हम सबको लेके जाने का इंतजाम किया है कृष्णन ने? हाँ, यहाँ तो लेक भी बहुत मशहूर है ना। हाँ, वो तो जरूर देखना है। अब है वो, कल रात मेरी नींद टूट गई और मैं सोफे पे आके टीवी देखने लगी और पता नहीं कब आंस हो गई मैं। नींद टूट गई थी तो मुझे जगा दिया होता, we could have chatted। मैंने भी सुबह उठकर तुम्हें सोफे पे सोए हुए देखा, गहरी नींद में थी तुम, इसलिए मैंने भी तुम्हें जगाया नहीं। चलो, तब तो हिसाब बराबर हुआ। मैडम नाश्ता। पेपर डोसा, बेक बीन्स ऑन टोस्ट, फ्राइड एग्स, कमाल है। तुमने तो एक से एक मेरी फेवरेट डिशेस ऑर्डर कर दी। अरे जॉली, तू यहाँ है, हमने पूरा होटल छान मारा तेरे लिए। गुड मॉर्निंग शोभा, शोभा चतुर्वेदी। वो क्या है ना कि हमारे फिलश की टांकी ओवरफ्लो हो रही है, इसीलिए जरा ठीक करवा देना जॉली। सॉरी, ओके साहब। सब तैयार हो गए, नाश्ता भी कर लिया और नीचे भी पहुंच जाएंगे, तुम्हारा योग खत्म नहीं होगा। अरे पिलंबर भी तो ही है। जी मैडम। जरा देख ले, सारी रात पानी टपक रहा था और इनके खर्राटों के साथ जो जुगलबंदी चली है बूंदों की, सारी रात की नींद हराम हो गई हमारी। बस एक वॉशर बदलना है, सामान लेके आता, अभी ठीक कर देता हूँ। ठीक है चल, कितनी देर में नहा लेते हम। सुनो, मैं जाकर नहा लेता हूँ, वरना कहोगी मेरी वजह से देर। Not getting through? I'm only half Indian, but even I know that trains and buses don't exactly follow their times. But you have to follow that Bible of yours. If we'd just taken a taxi, like I suggested, we would have been here ages ago. Our lady here has a footnote. It says, please confirm actual timings before planning itinerary. I told you, Sarah. Lonely planet, very accurate. And you need a lonely planet to visit your own country. Arey Baba, I haven't been back here in the last 7 years. Would you stop using that word Arey Baba with me? Yeah. No, I'll try. Hello, ma'am. Hi. All the lines are busy. Have a good stay. Thank you. Hi. Hi. Thank you. We're neighbors. I just saw your key. Hi, Sarah. How are you doing? Abhay. Hi, Dhritika. And, Oh, hi. I'm AK Arjun Kohli. Abhay Sachdeva. Oh, very nice. That's Ritika, my wife. Ritika. AK and Sara are here on vacation. Par. Sara is the tourist and AK the guide. You sure? Yeah. 7 years. Bonnie, almost. I was telling you I have to come back. 7 years. Guys, this is Arjun Kohli, AK. Yes, AK. And that's his wife, Sara. Hello. Hi, everybody. Good morning. You know, the lodge has arranged a really nice trip at the boat club. You'll really like it. Oh, great. Oh, but we're going to be late. Thanks to Mr. Lonely Planet over here. I'd like to just change and freshen up a little bit. No, don't worry. We're still waiting for the senior citizens. Oh, really? Okay. Arey, bas karo. Kitni der pani mein cycle chalwao? Kyun kinare nahi jana? Hi. 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 Every Indian bride has a husband's name hidden in that mehndi. Mm-hmm. And he has to find it. Oh, wow. And it's there, that's yeah. So wonderful. So has he got it yet? Thanks. Thank you. Lonely Planet mein ye book club hai? Kya nahi mila mujhe? Kuch nahi. बस ऐसे ही। अरे संभल के, देखो संभल के, गीला है, गिर जाएंगे हम तालाब। संभल के, शाबाश। हाँ, यहाँ पाँव रखो। हाँ, चलो। अच्छा। हाँ, चलो, 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 ये निकालो, मुझे दे दो। इसे पकड़ो। हाँ, लाओ। ये भाई, लो भाई, ये लो। लो। अरे कुछ नहीं, जरा सी सांस फूल गई है। ठीक हो जाएगी, लो पानी। नहीं,
तुम रखो, तुम्हें ज्यादा प्यास लगती है। ओफ, हम ठीक है। अरे भाई आगे और मिल जाएगा, एक दो घूंट पी लो। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? मैं कुछ करूं? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? बड़े शौक से हमें साबुनदानी में बिठा कर ले गए, मोटरबोट में नहीं ले जा सकते थे। सांस ऊपर नीचे हो गई हमारी। बेटे उम्र का तकाजा है, थोड़ी सांस फूल गई है। ओके, 10 मिनट बैठ के सांस बटोर लें, फिर चले चलेंगे। तुम चलो बेटा। श्योर आंटी? हाँ बेटा। अरे भाई कहाँ, ये कैसे उतारते हैं? ओ भाई कोई नहीं, लगे रहो। वो मैं ऑफिस में, यू नो। हाँ मालूम है। अगर तुम गलती से थर्सडे को नॉनवेज खा लो तो फ्राइडे को किस भगवान से माफी मांगती हो? फ्राइडे को कैसे लापरवाही से हमेशा अकेले छोड़ देता है ना उसे। अनाया, बहुत गलत बात है, जिस पे बीती है वही जानते हैं कि रात तारे गिन गिन कर कैसे काटते हैं। मजाक कर रहा हूं। Excuse me. हम अपने अपने टेबल्स को लाइन ऑफ कंट्रोल बनाकर क्यों बैठे हैं? जब सुबह से साथ घूम रहे हैं तो खाने का मजा भी साथ लें। प्लीज चलिए, ये ठीक है। ओह थैंक यू। Where's AK? Probably at a bookstore somewhere, trying to load up some crossword puzzles. Whenever he's not at work, he's doing these crosswords. He's almost obsessed with it. Either way, he's on his own. ये एक शिकायत है जो तुम्हें मुझसे कभी नहीं होगी। जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ, काम वाम सब भुला देता हूँ। लेकिन ऋषभ तो ऑफिस में होते हुए भी कामकाज भूल जाता है, राइट? इसमें मेरा नहीं तुम्हारा कसूर है। ये होता है, होता है। वाह भाई वाह। हे, ओ आ गया। कोई एसटीडी बूथ नजर आया पास में? जी, देयर इज। हमें एक फोन करना था। हाँ, वो नई नई शादी हुई है ना, माइकी की याद आ रही है। बच्चों से बात करनी थी। हाँ, बच्चों से या बच्चों के बच्चों से? अरे अब बच्चों को फुर्सत ही कहाँ है, बच्चों के बच्चों से ही दो मीठी बातें कर लेंगे हम। लो भाई, हम मर गए हैं क्या? कमाल की बात करती है। तो ठीक है ना, सॉस पास करना प्लीज। सॉस पकड़ाना भाईजान। क्या बात है भाई। बचपन से ही सुनती आई है ना, मतलब सभी भाईजान ही बुलाते थे। मियां बुलाने की प्रैक्टिस अभी हुई नहीं। सॉरी। प्रैक्टिस तो हर शादी में लगती है बेटा, बचपन से पहचान हो तो भी और दोनों अनजान हो तब भी। जान, ये कुर्ती कैसी है? अच्छा बात सुनो अनु। हाँ? एक और ऐसा कुर्ता ले लेना, एक साइज बड़ा। थैंक्स। What do you think? अम्मा चलो यार, क्या कर रहे हो, रात हो गई है, भूख बहुत लगी है। चलो लॉज चलते हैं, होगी शॉपिंग और क्या। शोएब मियां,
या तो तुम खा रहे होते हो या सिगरेट फूंकते रहते हो। आपकी बिटर हाफ है यहाँ, बचपन में उनसे दूर भागना ठीक था, अब वो आपकी बेगम है, जरा संभाल के रखिए उन्हें। चलें। आज हमारे एरिया का सबसे स्पेशल आइटम बनाया है गफूर भाई ने, और परसों रिस्पेक्टेड मिस्टर एंड मिसेस चतुर्वेदी की 40th वेडिंग एनिवर्सरी के ओकेजन पर खाने के साथ साथ हमने एक शानदार बॉनफायर का अरेंजमेंट भी किया है। क्या बात है। बच्चों ने बताया होगा इन्हें। आए हाय, बरसों बीत गए लेकिन दुल्हन की हदाएं नहीं गई हैं। 40 years is a really long time and I wish you guys many more years of togetherness. Thank you. आप दुआएं दे रही हैं या दुहाई दे रही हैं? Okay. अब शमा आपके सामने। अब अपनी दास्ता बयां कीजिए। आप दोनों मिले कैसे? हाँ हाँ बताइए ना। मिले? भाई हम तो शादी के दिन ही मिले। इंटरेस्टिंग। हाँ इससे पहले हमारे माँ बाप और रिश्तेदार मिल चुके थे। अगर मिले होते तो हम तो मना ही कर दिए होते। काश के कर दिया होता। भाई हम तो अपनी दुल्हन को बहुत पहले से जानते हैं, जब मैं हाफ पैंट में घूमा करता था और ये फ्रॉक पहन के घूमा करता था। ये मेरी बचपन की सहेली राहिला के भाई हैं। और हाँ बस इन्हीं की गुड़ियों की शादी को देखते देखते हमारा निकाह भी हो ही गया। हुआ नहीं। हाँ। मैंने और राहिला ने क्या क्या साजिश करके करवाया। तो ठीक है, वरना तो मैं आपकी नजर में अब भी फ्रॉक में होती। अनु हाँ, तुम्हारी नजर ऋषभ से कैसे मिली बताओ। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे बॉलीवुड। दिल की बात थी तो दिमाग बंद करके सिर्फ दिल की बात सुनी और बाकी सब बाद में दिखाई देने लगा। Anyway, Sarah, what about you and AK? Well, we've been together now for 9 years and we moved in 4 years ago? 4 years ago, yeah. I see. No marriage? Well, मैंने proposed तो किया था, but she opposed. So. To be honest, our togetherness was all that really mattered and marriage just didn't seem important. फूल गुलदस्ते में या फूलदान में ही जुड़कर रह सकते हैं, वरना तो मुट्ठी खुली और सब बिखर गए। रिश्तों के फूलों को बांधने से ही गुलदस्ता बनता है। हाँ मुझे ही देख लो, गाय की तरह खूंटे से बंधा हुआ नहीं लगता मैं। Hey, but what about अभय और रितिका जो वहाँ पर चुपचाप बैठे हैं? अपनी भी लव स्टोरी तो बताओ। हाँ बताइए भाई। हम बताने को तो कुछ है ही नहीं, स्टोरी शुरू होने से पहले ही हमारी शादी हो गई। तो क्या शादी होने से स्टोरी खत्म हो जाती है? एक्चुअली हमने वो गंगा उल्टी बहाने का फैसला कर लिया, शादी पहले कर ली और आप प्यार करोगे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे ये दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे ये दोनों। डीएन से शुरू कर रहे हैं लोग। ये पलंग किसने? I really hope you relax now. I know तुम मेरे पास सोते हुए uncomfortable थी। नहीं नहीं वो awkward लग रहा होगा तुम्हें कि मैं कुछ तुम्हारा ऑकवर्ड होना मुझे भी अनकंफर्टेबल कर रहा था, कोई प्रोफेशनल हस्बैंड तो हूं नहीं, मेरी समझ से जो ठीक लग रहा है वही करने की कोशिश कर रहा हूं, रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। आज लकड़ी कम भेजी है। कुछ
कुछ रिश्ते अपनी मर्जी से बनते हैं, कुछ बन जाते हैं, लेकिन उनका ख्याल हमें ही रखना पड़ता है, उन्हें पालना पड़ता है, सो दैट दे कैन ग्रो। रितु इस रिश्ते में ना कोई मजबूरी है और ना ही कोई जल्दी, सिंपल सा एक आदमी हूं मैं, अभय नाम है मेरा। जब तक दिल ना माने दोस्त भी हो सकता हूं, रूममेट भी। सोफे के बजाय पलंग पे तो आकर सो गई। वो अभी स्लोली बिकमिंग फ्रेंड्स नाउ। आई स्वेयर प्लीज वन लास्ट टाइम। कहाँ जा रही हो? रुको ना। ऋषभ। अनु। गॉड। सच अ बेबी। यू नो अनु, तुमने मेरे साथ घाटे का सौदा किया है। वो तो मैं जानती हूँ। फिर भी मुझे बताओ कैसे? अब ये जो तुमने फिर से उठ के मेटन वाले काम शुरू कर दिए ना, इसीलिए। अरे इन 5 सेकंड में मैं तुम्हें 10 किसेस दे सकता था। योर लॉस। फजूल का नुकसान हुआ है, एकदम फजूल का। अब तक कम से कम 10-15 फोटोग्राफ्स खींच चुके थे हम लोग, लेकिन अब उस फोटोग्राफर को पैसे देने पड़ेंगे, सारे दिन के मुफ्त। क्या जरूरत थी फोटोग्राफर बुलाने की, वो भी पूरे दिन के लिए? जब मैं कुछ करता नहीं हूँ तो कहती हूँ आप कुछ करते ही नहीं। वैसा नहीं लग रहा है, मंगनी मंगनी नहीं लग रही है, शादीशुदा नहीं लग रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक फोटोग्राफर आ जाएगा, 10-15 फोटोग्राफ्स खींच लेगा, ताकि आपका हनीमून हनीमून लगे। अबे कल रात मैं थोड़ी एम्बैरेस्ड भी हुई और खुश भी। वो जिस तरह आपने मुझे समझ लिया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। देखो रितिका, मेरी समझ से जो ठीक लगा मैंने वही किया। आफ्टर ऑल हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारी उम्मीदों का पूरा होना भी जरूरी है ना। क्या कर रही हैं आप? बादल सर पे आ गए हैं, इतनी देर थोड़ा लगा था कोई। चलो, इतनी हवा चल रही है। हवा तो चलेगी पहाड़ों पे। चलिए, चलो जल्दी करो। ऐसे ठीक है? वेरी गुड, कम ऑन, अंदर आइए। अब एक ऐसे भी ले लीजिए, ऐसे। हाँ, बहुत वेरी गुड। चलो ठीक है। अरे अभय, एक ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवा लेते, आ जाओ। श्योर। चीज, वेरी नाइस। आप भी अपने हनीमून का एक सुविनियर बनाइए। सच कहता हूँ, ये पल आने वाले सालों में बहुत याद रहेंगे। और अपने घर वालों को भी तो आपको दिखाना चाहेंगे ना। आइए सर। प्लीज प्लीज। जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी, खुद को दी कर गई। जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी, खुद को दी कर गई। झलकी हुई थी पहले से मैं थोड़ी सी, और भी भर गई, और भी भर गई। अब आप अपने बीवी को गोद में उठा लीजिए। क्या? घबराने की कोई बात नहीं है। अरे बड़ा क्लासिक पोज है, हर हिंदी फिल्म में होता है। कमान कमान, अरे क्विकली क्विकली। लेट्स ट्राई। ओके या
ज्यादा खा लिया क्या? रेस्टोरेंट में डिनर का प्रोग्राम कैसे बना लिया? बस ऐसी वो लॉज का डाइनिंग हॉल मुझे अपने कॉलेज मेस की याद दिलाने लगा था तो सोचा कि आज सिर्फ तुम और मैं। अच्छा मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो, आज तो अपना नाम ढूंढ कर ही रहूंगा। ये रहा आपका प्राइज। That's a pleasant surprise. अरे ये कब ली? कल मार्केट में आप इसी टाई को देख रहे थे ना? I love it. Thank you. क्या आप उस लॉज की रिसेप्शनिस्ट को जानते हैं? नहीं, एक जमाने में किसी को जानता था जिसे उसकी शक्ल मिलती है। कौन थी? मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी शादी हो गई। हम कुछ 2 साल साथ थे, साल भर पुरानी बात है। वो तब मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और उसकी नौकरी उसे कलकत्ता ले गई। बस लगता है मेरी किस्मत में वही लड़कियां लिखी हैं जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, बस इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी। कुछ देर के बाद, आपको थोड़ा जान लेने के बाद। ओके, मेरा नाम है अभय सचदेवा। MBA करने के बाद आईटेक में मार्केटिंग हेड की नौकरी कर रहा हूँ। आई एम अ सैजिटेरियन। 9 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, कभी भूलना मत। हाइट 6 feet, वजन 78, वेस्ट 33, और मेरा जूते का साइज है 9.5। और मंडेज और फ्राइडेज को मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन हूँ। दैट्स इट, अब तो सबको जान गई। नहीं, ये बातें नहीं, दूसरी बातें। वो दूसरी बातें तो सिर्फ किसी के साथ रहने के बाद ही मालूम होती हैं। तो मैं हाजिर हूं, जान लो मुझे। जी साहब, इधर भी लाइट चली गई।
और शायद इसीलिए हनीमून का ये वक्त शादी के बाद होने वाले चेंजेस से एडजस्ट करने में मदद करता है। अब देखो ना, जब हम यहाँ से लौटेंगे तुम एक बिल्कुल नई जिंदगी में कदम रखोगी, नया घर, नया खानदान। शायद, और शायद ये वक्त उस बिल्कुल नए इंसान को जानने के लिए भी होता है जो अब आपकी जिंदगी में है, खास करके अरेंज्ड मैरिजेस में जैसी हमारी। जरूरी नहीं है, शोहेब और अनाया को देख लो, वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पर इस वक्त वो अपने इस नए रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी फिल्मों और टीवी पर दिखाई जाती है, जहां एक पल में सब फिट हो जाता है, हैप्पीली एवर आफ्टर। और अगर ये फिल्म होती तो बाहर बारिश हो रही होती, बिजली चमकती और मैं डर के मारे आपकी बाहों में आ पड़ती और फिर और फिर आग जलती हुई नजर आती। हाँ। क्या हुआ? कॉकरोच। देखा, कॉकरोच भी जानता है कि यहाँ ना बिजली होगी ना बारिश। क्या हुआ? What are you doing? क्या? रितु, आज सारा दिन तुम वो तो मैंने समझा। सारा दिन क्या? खुल के हंस बोलिया, आपका हाथ पकड़ लिया, इसीलिए का ये मतलब निकाला आपने? मुझे लगा आप मेरे फीलिंग्स को समझ गए होंगे। क्या वो सिर्फ एक ड्रामा था? क्या सेक्स ही सब कुछ है आपके लिए जो आप मेरे साथ इस तरह बदतमीजी करें? बदतमीजी? इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूं? हाँ, शायद मैं तुम्हारी फीलिंग्स ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन तुम भी मुझे समझ नहीं पाई। डू यू थिंक इट्स इजी फॉर मी? मैं भी बिल्कुल वही सिचुएशन में फंसा हूं, तुम भी मेरे लिए एक अजनबी हो, बट आई हैव बीन ट्राइंग। और आज गलती से मुझे लगा कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ खुलने लगा है। बताना चाहता था कि मुझे भी तुम पसंद हो, दैट्स ऑल। इट्स नॉट ऑल अबाउट सेक्स, डैम इट, बट दैट यू वोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम्हें वो समझ है ही नहीं, ना ही वो फीलिंग्स। और लेट्स जस्ट फॉरगेट द होल थिंग। जोड़ी कितनी परफेक्ट है। अच्छा बेटा, रख रही हूँ, पापा बुला रहे। वरना रिमाइंड करना पड़ेगा। ओके बाय। माँ, तो ढूंढा
था ना तो पाया है ना तो खोया था ना बुलाया है फिर किसने बांधी ये डोरी हो कैसे कैसे राम मिलाए जोड़ी हो कैसे कैसे राम मिलाए जोड़ी भाभी जी, भाभी जी, दीपक, अमृताज, हाँ, हाउ आर यू? अबे, अभी अभी बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही फोन किया था। अमृता कैसी है? She's beautiful, यही है। Hey रितिका, कैसी हो? अच्छी हूँ। Same here, my honeymoon was fantastic. And दीपक, he's really romantic.
लेकिन अगले हफ्ते वो अमेरिका लौट रहा है, इसलिए ये वीकेंड हम फिर निकल पड़े। एक हनीमून खत्म हुआ नहीं, ये दूसरा शुरू। That's great. क्या बात है रितिका? सब ठीक तो है? I'll just come. सब ठीक है। Shut up. झूठ मत बोल। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। सच बता। क्या बात है? रितिका, क्या हुआ? अमृता, कल रात हमारी अभय और मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। सिंपल किस एंड मेकअप, तू समझ नहीं रही अमृता। हम इतने क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है मतलब? अमृता कम ऑन, कल रात के बाद तो क्या अभय ने कुछ? इट्स नॉट अभय, इट्स मी। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब है। एक आदमी के साथ अकेले। कम ऑन रितिका, इट्स ऑल माय फॉल्ट। स्टॉप क्राइंग, जस्ट टॉक टू हिम। आई ट्राइड, पर वो मेरे से बहुत नाराज है। और यहाँ लॉज में इतने सारे लोग हैं, सबके सामने ना मिल रहा हूँ, जब एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट टू डू। अमृता, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। चुप कर, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसे तू ठीक ना कर सके। जाके अभय को मना ले, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड रितिका, अभय इज अ नाइस मैन। आई नो, I know. Please stop crying. Smile और अपने बाकी के हनीमून के दिन ठीक कर। Just pass me the toast, yeah. Jam. Good morning. Good morning. Good morning. Hi. सब खैरियत? Good morning. Hey, good morning. Do you want some? Sure. बहुत भूख लगी है। और कहते भी हैं, राजा की तरह ब्रेकफास्ट, सिपाही की तरह लंच, और डिनर भिखारी का। but first, I have a question. I have a question. A man was cremating his wife. उसने चिता में आग लगाई और उसी वक्त बिजली कड़कने लगी। तो उसने ऊपर देख के क्या कहा? Hi, Ritika. Hi. क्या? क्या? I don't know. Whatever. लगता है ऊपर पहुंच गए। That's just mean. आज देर कर दी नीचे आने में। रात को ठीक से नींद नहीं आई होगी, इसीलिए लेट हो गई, है ना? हाँ, आज अभय को भी कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। क्यों भाई? जी आज सुबह दूध जल गया था, इसलिए एक चाय और कॉफी के लिए आज पाउडर का दूध है, तो काइंडली एडजस्ट। हाँ, कर लो बात। जी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये सॉरी भी अजीब शब्द है। गलती छोटी हो या बड़ी, बस सॉरी कह दिया और निकल लिया। ये अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। चतुर्वेदी अंकल, आई लव यू भी अंग्रेजों की देन है। तीन छोटे से लव्स बड़ी से बड़ी फीलिंग्स कह देते हैं, है ना? आई लव यू। मी टू। समझी? प्यार जताने के लिए वर्ड जरूरी नहीं होते। अगर मन चाहे तो उनका ही बात भी समझ जाए। अगर मन चाहे। हेलो सर। हेलो। आई होप आपको यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है। या सब कुछ बहुत बढ़िया। किसी और चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज हमें बताइए। श्योर। रितिका, या Thank you. Hi. Listen, it's the Chaturvedi's 40th anniversary, and a whole lot of us are going to go and get them a present. So, do you want to come? Hey, Sara, I have an idea. Aaj sirf hum girls ghumne chalte hain, yeah? Let's just leave the men behind. Chalo ji. Inka plan to ban gaya. Hum kya kare? Let's play some TT or carrom. Abhay. Yeah. Okay. Abhay. Can you give me one of your travel brochures? Jaao. Kal raat pucha tha. Excuse me. Yes, sir. आपके यहाँ गेम्स या कुछ? Absolutely, sir. अब इस सफर में
बीच के फासले कैसे तय करें। जहां कहानी मुड़ी वहीं चल पड़े। अंकल के लिए कैप, उन्हें कैप्स पसंद है, और आंटी के लिए गॉगल्स, जैसे पुरानी फिल्मों में नंदा पहनती थी। आई एम श्योर आंटी अपनी जवानी में बिल्कुल उन्हीं की तरह लगती होंगी। नो, वी कैन गेट समथिंग दैट्स रोमांटिक, समथिंग सिंबॉलिक दैट्स लिंक्ड टू देयर रोमांटिक रिलेशनशिप। सबसे रोमांटिक तो ये ऋषभ है, अपने तीसरे हनीमून पे आया हुआ है। यार समझ में नहीं आता ये हनीमून चीज में कौन सी बड़ी बात है। अरे यार फितरत की बात है, अगर दिल चाहे ना तो सारी जिंदगी हनीमून मनाया जा सकता है, और उसके लिए किसी लॉज या पैकेज की जरूरत नहीं है, समझे? ये उस कृष्णन का बिजनेस चौपट करके रहेगा। I know, बिल्कुल घिसी पिटी रोमांटिक नॉवल की तरह बोल रहा है। All girls grow up reading Mills and Boons, thinking, imagining a tall, dark, handsome stranger riding in on a white horse. Yeah. मैं भी सपने देखा करती थी, लेकिन मेरे सपनों में कोई टॉल डार्क और हैंडसम स्ट्रेंजर नहीं था। इट वाज ऑलवेज शुएब, नॉट टू टॉल, नॉट टू डार्क, बट हैंडसम। मुझे तो आज तक अनाया राहिला की सहेली लगती है। इनफैक्ट कई बार मैंने उसको इंट्रोड्यूस ही वैसे करवाया, मंगनी के बाद। आज तक याद दिलाती है। Hey, you're in trouble. That's women for you, buddy. ज्यादातर भूल जाएंगे कि तुम्हें कुछ याद था, but we'll never let you forget that you forgot. You forgot. Exactly. At least you guys have an advantage. तुम सब तो अपनी बीवियों को अच्छे से जानते हो, समझते हो। मैं तो जैसे अंधेरे में हूँ। क्या बात कर रहे हैं यार? तुम और रितिका कितने परफेक्ट लगते हो। Of course, हमारे हीर राजा की तरह नहीं, पर क्या कहते हैं उसको, सुर में। ऋषभ के साथ एक और ड्रीम वेकेशन खत्म होने आ रहा है। एटलीस्ट तुम्हारे ड्रीम्स पूरे तो होते हैं। और तुम्हारे सपने, हाँ? What about your dream man? सच हुए कि नहीं? जब भी मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती, तुम यही कहती, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो मुझे हंसाए, जिसका दिल साफ हो, नरम हो, जो मेरा ख्याल करे और दूसरों का भी, एक अच्छे दिल वाला अच्छा आदमी। एंड दे वुड लाफ, कहती तब तो पांच अलग आदमी ढूंढने पड़ेंगे। एक ही आदमी में ये सब कुछ होना, ऐसा आदमी तो हो ही नहीं सकता, मिलेगा कहाँ से? लेकिन तुम्हें तो मिल गया। Haven't you just described अभय? और क्या, ये तो बिल्कुल अभय है। तुम्हें को फैंटास्टिक कपल। भाई काहे का कांग्रेचुलेशन, यहाँ 40 साल से जान बसी हुई है। चलो कर लो बात, हमारी भी तो सांस अटकी हुई है, ना निकलते बनता है ना उगलते बनता है। लेकिन बात तो पक्की है ना। जहाँ फंसी सांस अटकी है, दो पाटन की चक्की है, जियन मरन तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है। बाबू अपनी डील तो नक्की है, साथ साथ फेरे घूमे है, बात हमारी पक्की है। जहाँ फंसी सांस अटकी है, दो पाटन की चक्की है, जीवन मरण तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है। लम्हा लम्हा चुना पिरोया, आँख ने सींचा दिल में बोया। लम्हा लम्हा चुना पिरोया, आँख ने सींचा दिल में बोया। बेल के जैसी बढ़ती है धूप है, धीरे चढ़ती है। शादी भी पक जाएगी यारो, चाह कहीं भी लटकी है। जहाँ फंसी सांस अटकी है, पाटन की चक्की है, जीवन मरण तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है। जीवन मरण तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है।
क्या बात है? बुढ़िया में दम है। रमी के पत्ते बने नहीं, दो जोकर थे लगे नहीं। सीढ़ी चढ़ो तो सांप मिलेगा, लूडो का खेल है यूं ही चलेगा। नाकों चने चबाए हैं, दांत में कच्ची मक्की है। मियां के बाल उड़े क्यों भैया? बिली इनकी शक्ति है। कहीं हुमकती हुई चढ़ाने, कहीं फिसलती हुई ढलाने। कहीं हुमकती हुई चढ़ाने, कहीं फिसलती हुई ढलाने। दो पहियों का ठेला है, 40 बरस ढकेला है। अरे संभल संभल के चलना, मियां टूटने वाली मटकी है। जा फंसी सा सटकी है, दो पाटन की चक्की है। जीवन मरण तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है। हो वही निभानी पड़ेगी यारो अपनी डील तो नक्की है। साथ साथ फेरे घूमे है, बात हमारी पक्की है। जा फंसी सा सटकी है, पाटन की चक्की है। जीवन मरण तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है। जीवन मरण तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है। जीवन मरण तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है। अच्छा भाई तुम गाने वाले निकाले? तुम्हें मजा आया ना? बहुत मजा आया। प्रीतिका, मैं जानता हूं तुमने सिर्फ दिखावे के लिए मेरा हाथ पकड़ा था, क्योंकि जैसे ही कोई देखने वाला रहा नहीं, तुमने अपना हाथ वापस ले लिया। नहीं मैं, रितिका, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, लेकिन कल रात के बाद मैं इतना तो समझ ही गया हूं कि तुमने ना हमारी शादी और ना ही मुझे एक्सेप्ट किया है। कम से कम मुझे नुमाइश का पति मत बनाओ प्लीज। जब भी अगर हो सिर्फ सच्चे दिल से मेरा हाथ पकड़ना, वरना नहीं। इट्स ओके विद मी। और वैसे भी आई डोंट थिंक इस नाटक को ज्यादा देर चलना चाहिए। अभय, मैं यही हूं, गया नहीं। बात हमारे पक्की। Hey, do you want to go shower? Like it. Yeah, cool. We are going to a waterfall anyway. That's as good as a shower, right? I'm not going. What? I don't feel like it. Just gonna stay in today. Some holiday this is. Well, I guess we could have gone on separate holidays too. I'm glad we're going back tomorrow. Bye. Ritika. Oh. Hey, hi. Good morning, Ritika. I hope I'm not disturbing you, but I really needed to speak to you about something. I was wondering if you could help me. Yeah, sure. Abhay's sleeping. I'll meet you outside. Oh, okay. No, sure. I understand. So I'll just change and meet you downstairs. Okay. Thank you. Thanks so much. क्या हुआ? क्या चाहिए था सारा को? कह रही थी कुछ बात करनी है, कुछ हेल्प चाहिए उसे। तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उसे? मैं सो रहा हूं, ऐसे क्यों कहा? वो हमारे पलंग
इस तरह अलग देखे अच्छा नहीं लगता ना। But it's a fact. ये हमारी हकीकत है, तो छुपाना क्या? पलंग अलग दिख जाने से क्या होता है? जब दिल ही ना मिले हो तो सच्चाई सबको नजर आ ही जाएगी। मैं लॉन में जा रहा हूँ। I'll see you later. अम्मा मियाँ, कृष्णन भाई, आपकी गाड़ी वाड़ी आ रही है कि ऐसे ही निकल ले पैदल? हो क्या रहा यार? नहीं सर, जीप हाजिर है आपके सामने। ऑयल और वाटर बिल्कुल परफेक्ट है, आप जब भी चाहे जा सकते हैं। क्या बात है, चलो 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 चलो। क्या मैं करती हूं? अनु श्योर तुम्हें नहीं चलना? वाटरफॉल है, मजा आएगा। क्यों लेडीज? नहीं नहीं डालेंगे, इट्स ओके, यू गो, हम बाद में मिलेंगे। तुम जाओ और ज्यादा भीगना मत, वरना नाक बहने लगेगी और कान पुर तक शुरू शुरू करते रहे। करिए साथ नहीं यारी, वरना अजाब खड़ा कर देते। अगर हम ना हो ना तो ये पलंग पकड़ ले। चलो भाई चलो, सब आराम से। हनीमून लॉज से वो क्या कहते हैं, बैचलर पार्टी का कारवां निकल रहा है। और से देख, कुछ सालों में तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। कुछ सालों में ना, अभी बहुत टाइम है। हंस लो बेटे, हंस लो। हमारे जमाने में हम भी लोगों की धुंधों पे यूं ही हंसा करते थे। नहीं नहीं अंकल, मैं तो आपकी ठाट की बात कर रहा था। कि आपकी जो चाल में जो शान है ना, उसका जवाब नहीं। बाकी सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। हसीए मत शोएब मियां, वक्त वक्त की बात है। दैट्स राइट यार, कॉलेज के दिनों में तो मैं भी दो दो तीन तीन घंटे वर्कआउट करता था। बट नाउ विद माय काइंड ऑफ जॉब टाइम नहीं मिलता यार, एंड यू नो यू बिकम लेजी। यार मेरे तो ऑफिस में जिम भी है, लेकिन फिर भी आजकल एक्सरसाइज में मन ही नहीं लगता कि किसको इम्प्रेस करना है। या यू राइट, यू नो आजकल तो सहरा भी मेरी फिजिक की शिकायत नहीं करती, शी इज गिवन। अदरवाइज इन द गुड ओल्ड डेज वी यूज्ड टू गो फॉर रन्स टुगेदर, डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टुगेदर, बट नाउ फॉरगेट इट। तो फिर मुझे कोई समझाए कि दुनिया शादी और प्यार को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती है? अगर साथ रहने से दो लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ आदत बनकर रह जाएं, एक दूसरे पर गौर करना छोड़ दें, क्योंकि वो क्या कहते हैं, घर की दाल है, तो फिर शादी ही क्यों करें? आई मीन जिंदगी भर किसी के साथ रहे क्यों? क्यों? आई मीन एक रिश्ता बस आदत बनकर रह जाए तो फिर दोनों के लिए अनफेयर है ना? बेटे आदत तो बढ़ ही जाती है। अब देखो ना, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहता कि उसने क्या कपड़े पहने, बाल बनाए भी हैं या नहीं, खाना खा लिया होगा, उसमें पूछना क्या। लेकिन सुबह से बदन में हरारत है उसके, ये सुनकर आज भी मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हाथ थामे रखने की अगर आदत ना होती तो हाथ छूट जाने का डर भी तो ना होता। Different man. I mean,
You look beautiful. Will you me marry? Of course. I mean, yes. Yes. ये अब सीधा लग रहा है। ऋषभ, डार्लिंग, आई नीड योर हेल्प, प्लीज कम। हेलो। क्या भाई, तुम हनीमून पे क्या कहे, गायब भी हो गए? हाँ नहीं, वो एक मिनट, एक मिनट। क्यों साले, स्कोर क्या हुआ? जी जी प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, लौटोगे तो खबर लूंगा ही मैं, बट सीरियसली गाइस, यू आर हैविंग फन ना? जी वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन, बहुत मजा कर रहे हैं यहाँ, हम बहुत खुश हैं। बस करो, बस करो। अच्छा, तुम जल्दी से आ जाओ, हाँ, वी रियली मिसिंग यू। आज आखिरी दिन तो है दी। रियली? हम कल निकल रहे हैं यहाँ से। ये, सी यू सून। आई सी यू टुमारो। बाय। सारा खाओगे तो बनाया क्यों? अरे पिराइड है तो बुलाया तू मुझे, वहां देखो। अरे अनाया, बहुत अच्छा फ्रॉक पहना है तुमने, क्यों शोएब मियां? अरे फ्रॉक है? अरे नहीं नहीं, ग्रीन कलर का फ्रॉक पहना है। क्यों भाई? हाँ अनाया, बहुत बहुत स्वीट लग रही हो उस फ्रॉक में। ये कलर तुम्हें बहुत सूट करता है, कहाँ से खरीदा है फ्रॉक? Even I want one. I also want one. Shohid lakar dega na. Bahut khoobsurat lag rahi hai. Sari. Frock pehenne wali Anaya to nahi lag rahi na. Kyun Shohid Mia? Ab tumhari aankhon ka number theek hua hai, ha? भाई देखिए, दिल तो बहुत चाहता है कि हम ये आखिरी शाम आप लोगों के साथ बिताएं, लेकिन हमारी नियत आज डिनर पर बाहर जाने की। गो फॉर इट मैन। दैट्स लाइक इट, या इट्स बीइंग रियल मैन। एक मिनट। वो अरे
Learned it from me, you know. Yeah, right. When have you ever given me a flat? Main hoon na. Darling, I love you. Hey, you two lovebirds. What's going on? Yay. Come join us. Ritika, is everything okay? No, I mean, is everything okay between you and Abhay? Yes, Sarah. You know, आज तुम्हारे कमरे में I saw that तुम्हारे beds अलग थे and now तुम यहाँ ऐसे sad और चुपचाप बैठी हो. I'll go talk to her, babe. No, no, Sarah, please. Ritika, if you don't mind me telling you, दो लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत इजीली बन जाती है, but then to later remove that distance becomes so difficult. अबे और तुम्हारे बीच में ये डिस्टेंस मत आने देना. Just be close to him in every way that you can. अबे, you have to try the sepuri. My God, शोभा आंटी ने तो कमाल कर लिया है. अरे खाओ बेटा खाओ, यही तो उम्र है खाने की. तुम बस करो, चुप. अबे, इसमें खटास होती है. आपको हिचकी आती है ना? बदलते वक्त के साथ साथ खुद को भी बदलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है. ट्राई तो करना चाहिए. क्यों? टोटली. सर, आपकी मैडम का फोन है. क्या? आपकी मैडम का फोन है. उन्होंने कहा आपका फोन लग नहीं रहा है. मैंने दो बार नाम पूछा, उन्होंने दो बार कहा स्वाति सहल, मिसेस ऋषभ सहल. हेलो. हाँ जान, नहीं यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है. आपने काफी सेव पूरी खा ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? ज्यादा कहाँ खाए, उसी वक्त तो वो कॉल. इट्स अमेजिंग ना, किसी को पता ही नहीं था वो दोनों शादीशुदा नहीं थे, और ऋषभ तो किसी और के साथ. और हम सब हमेशा उन दोनों को सबसे परफेक्ट कपल समझते रहे. गेस इट्स ट्रू, जो नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता. यही हमारी सच्चाई है, आर ट्रू. हम इसे छुपा सकते हैं पर इसे भाग नहीं सकते. It always catches up on us. जैसे कि आज, सबके सामने, in front of everybody. Please, Anu, for God's sake, calm down. देखो, मैं मानता हूँ कि उस वक्त स्वाति का फोन आना बहुत awkward था. और यहाँ का नंबर तुमने ही दिया था, right? For emergencies. But I didn't think she'd call me. Oh, Rishabh, fact... please. अब झूठ बोलना बंद करो. काफी कहानियाँ सुन चुकी हूँ मैं. Please, Anu, don't do this. Please. अब तुम इस वक्त रात को... देखो, Anu, देखो, मेरी बात मानो. कल सुबह जहां जाना है चली जाना, प्लीज. लो, जब अकल आती है ना तब टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, उसी वक्त डिसीजन लेना चाहिए. आई हैव मेड अप माय माइंड. जिंदगी में पहली बार आई नो कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे ये झूठा रिश्ता नहीं चाहिए. अब ये बेइज्जती लगने लगी है. चाहे तुम्हारी बीवी होने का ड्रामा करना हो या चाहे तुम्हारी बीवी के लिए शॉपिंग करना हो, I'm tired, Rishabh. I'm fed up. I've had enough. ये लो, ये कुर्ता जो खरीदवाया था तुमने, ये एक साइज बड़ा वाला है. Friends,
वो बस आपको मेन टाउन तक ले जाएगी एंड आई होप ताज लॉज में दोबारा आपका स्वागत करने का मौका हमें जरूर मिलेगा। थैंक यू। टिकट टेबल पर रखे थे तुमने, रख लिए ना? डू यू हैव एनी आउटस्टैंडिंग बिल्स? नो सर, योर बिल्स आर ओके। हाय, हेलो, फोटोज 500 रुपीस ईच। 500 रुपीस? मैंने कहा था ना मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। थैंक यू, शुक्रिया। और आपकी तस्वीरें बहुत ही अच्छी आई हैं। कहीं आप पिछली बार इनकार कर देते ना तो बड़ी ज्यादती होती। बाय बाय। थैंक यू। बिल्कुल स्विट्जरलैंड लग रहा है ना? जैसा फिल्मों में दिखता है। हनीमून लग रहा है ना? वेरी अच्छा, चलो जरा जल्दी करो। फोटो तो देखने दो। अबे हम सब बाहर हैं। या ओके या Thank you. ओके अनु दिख नहीं रही। शी इज गॉन यार। व्हाट? या शायद इस बार हमेशा के लिए। आई गेस इट्स फॉर द बेस्ट, यू नो। इस रिश्ते का फ्यूचर तो दैट्स जस्ट इट। हमने फ्यूचर, हकीकत ये सब चीजें नाप तोल के प्लान करके तो प्यार नहीं किया था। लव जस्ट हैपेंस, यू नो। बस हो गया, जस्ट लाइक दैट। आई नो व्हाट यू मीन एंड डोंट माइंड मी सेइंग सो, बट अनु एंड यू वर ऑलरेडी इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। या देयर वाज नथिंग सिंपल अबाउट इट, बट यू नो देयर वाज नथिंग एल्स लाइक इट। मे भी हमारे रिश्ते में झूठ बहुत थे, बोलने पड़ते थे, जीने पड़ते थे, लेकिन मैंने अनु से सिर्फ सच्चाई से प्यार किया है। इट'ल बी ओके मैन, चल। अरे शोएब बेटा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मेरे पास बैठो। आओ बैठो। अंकल वो आंटी नहीं बैठेंगे आपके साथ? अरे नहीं बैठना इस घुसट के साथ मुझे। सुबह एक एक्स्ट्रा प्याली चाय की मांगी, दिमाग खा गई, लेकिन चाय नहीं दी। और ये भी बता दो क्यों नहीं दी? क्यों आंटी, क्यों नहीं दी चाय आपने उनको? फिर रास्ते में बस रुकवाएंगे। चलो भाई, आओ बैठे, आओ बेटी, तुम भी आओ, आओ बैठो। हाँ जी जी, तुम भी बैठ जाओ बेटे। इट्स ओके, सब ठीक होगा। या आई होप सो। एक्सक्यूज मी। एनीवेज थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। रियली Want some?
शोभा क्या है? एक आधा बिस्किट मुझे भी दो। जितनी बदपरहेजी तुमने की है ना इन 5 दिनों में, घर जाओगे तो पता चलेगा। ओफो, सुबह चाय नहीं दिया, बिस्किट भी नहीं दोगी? लो। नहीं चाहिए। मत खाओ। क्या हुआ? You are looking lost. Is everything okay with you? हाँ हाँ, बस ऑफिस के बारे में सोच रहा था। हॉलिडे जो खत्म हो रही है। ये बोल, हनीमून खत्म हो रहा है। आई नो बट रिलैक्स, इसका ये मतलब नहीं है कि रोमांस खत्म हो रहा है। रिमेम्बर दैट, ओके? Ritika, you want some? No. Sure? That is pretty good. Yeah. I'm not too hungry. Okay. जरा सी भी मूवमेंट से बस गिर सकती है। धीरे धीरे बस के सामने की तरफ जाओ। एवरीवन एंड वेरी वेरी स्लोली, आगे का वजन बढ़ाना है। एके, यू एंड शोएब, तुम दोनों लेडीज को लेकर आगे की तरफ जाओ। आराम से। हाँ सबके साथ जाओ। शोहेब, रितिका, कंडक्टर, तुम और ड्राइवर बस का लगेज सामने की तरफ शिफ्ट करो। लगेज तो ऊपर पड़ा हुआ है। अरे तो ऊपर चढ़कर आगे की तरफ शिफ्ट करना यार बेवकूफ। एक मिनट, जितना सामान हो सके बस के सामने की तरफ शिफ्ट करो। सामने की तरफ का वजन बढ़ना चाहिए। ओके, शोहेब, उन दोनों को कहो ऊपर ही रहे और तुम सब धीरे धीरे करके नीचे उतर जाओ, वन बाय वन। बट व्हाट अबाउट यू गाइस? हम आंटी और अंकल को उतार कर उतरेंगे। नाउ गो।
मत बिल्कुल। अब तुम भी उतर जाओ ऋषभ, मैं इन्हें लेकर आता हूं। बड़ा भाई ऋषभ, अगर अचानक वजन बदला तो प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज। यू शो आंटी, चलिए ना, चलिए ना आंटी। अंकल आप ही उठिए, कम ऑन आंटी, कम ऑन, चलिए आंटी। शोभा, शोभा, अंकल हाथ दीजिए मुझे। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज नहीं अंकल। बैलेंस बहुत ही डेंजरस है अंकल, आपको उतरना ही पड़ेगा। मैं आंटी को बाहर लाता हूं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अंकल प्लीज मेरी बात मानिए, उतर जाइए अभी। अंकल आपके यहां रहने से शायद आंटी को और टेंशन हो रही है, प्लीज उतर जाइए, कम ऑन, चलिए अंकल प्लीज, कम ऑन। अरे ऐसे कैसे उतर जाऊं बुढ़िया को छोड़कर, मेरी जान अटकी हुई है इसके साथ, तुम उतर जाते क्या रितिका को छोड़कर? शोभा, शोभा डरो मत, देखो मैं उतर रहा हूं ना तुम्हारे साथ, मेरा हाथ पकड़ो, डरो मत शोभा, शोभा ठीक ही तो है ना अंकल। मैं और अभय है ना, हम दोनों आप दोनों के साथ ही उतरेंगे। कोई देख रहा है या नहीं, लेकिन सच्चे दिल से चाहती हूं ना, हम सब है यहाँ आंटी। आंटी आंटी प्लीज उठिए, प्लीज आंटी, आई बेग ऑफ यू, अगर आप नहीं उठेंगी तो हमें भी नहीं उतरेंगे, प्लीज आंटी प्लीज। शोभा चलो, चलो कम
चलो मैं साथ हूं, ना डरो मत। चलिए अंकल, हाथ दीजिए अपना। चलो उठो, शाबाश। चलो लोग नीचे आ जाएं। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो संभाल के, आराम से। आप भी आ जाओ। अरे कूद मत। हमें कोई आगे के सफर का इंतजाम है यहाँ पे? हाँ भैया, देखो सिग्नल नहीं जा रहा है, गेयर ड्राइवर उसी बस लाने देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, इनकेस पानी में इंतजाम करो, जब जरूरत होगी तो काम करेगा। नहीं पता नहीं, प्रभु की दया हो गई बहुत। अब से बहुत कही दिया दिन निकल गया, ऐसा भी टाइम लगेगा यार। तो चलो यहीं रुकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अटक गए यार। क्या हुआ? वो लॉज वापस चले। हमारा हनीमून तो अब शुरू हुआ है ना। पक्की बात? हम लॉज वापस जा रहे हैं। कहा था ना, हर कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है। हाँ, ये इस कहानी की शुरुआत है। शुरुआत में टिप्पणी देना जरूरी है।
I got a love for you, lady, like, yeah. When I see you with my heart, I feel like, yeah. When I hold you with my arms, have no fear. Just a minute and my feelings will be clear. Jaan phasi saans atki hai, to paatan ki chakki hai. Jiyan maran to laga rahega, baat hamari pakki hai. लम्हा चुना फिरोया आँख ने सींचा दिल में बोया दिल के जैसी